महंगाई ने आजकल सब लोगों का मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। किसको महंगाई पसंद है भाई, किसको पता है? जल्दी से कमेंट में बोलो, क्या आपको महंगाई पसंद है? नहीं। रिसेशन किसी को पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो एक करोड़पति इंसान हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो, महंगाई रिसेशन ये सब जो है ना मुद्दे किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। बट ये सब चीजें जो है ना इंटरलिंक्ड है। जो भी हम डे टू डे में एक्टिविटीज हम करते हैं, जिस तरह से हम अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हैं, ये सब का टोटली इंपैक्ट होता है। अब बहुत सारे ज्यादा लोगों का सोचना रहता है कि जो ये रिसेशन क्यों आता है। ये रिसेशन प्रोबेबली जब करोड़पति लोग जो है पैसे लेके भाग जाते हैं तब रिसेशन आता है, या फिर बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ में डूब जाते हैं तब रिसेशन आता है, या फिर बहुत सारा बड़ा घोटाला होता है पैसों के मामले में तब रिसेशन आता है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन है जो कि नॉर्मली लोग सोचते हैं, बट एक्चुअल में रिसेशन का मतलब ये नहीं रहता है। इनफैक्ट जब भी टोटल मनी का जब फ्लो रहता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ खरीदने गए, आपने कुछ पैसे दिए उस दुकानदार को, उस दुकानदार गया वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी और को पैसे दिए, फिर वो पैसे किसी मैन्युफैक्चरर के पास में जाता है, फिर वही पैसे किसी वर्कर के हाथ में जाता है, फिर वो वर्कर जाकर के कुछ और खरीदता है। तो बेसिकली जो है ये जो पैसे का फ्लो होता है वो एक सीमित धमी में एक नॉर्मल वेग में मतलब घूमते रहता है, पैसे यहां से वहां जाता है, क्योंकि बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस भी होता है। जब आप एक बनिए के दुकान में जाकर के चाय पत्ती खरीदते हो तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई जो ना बड़ा सा करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदता है तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जब भी किसी भी कारण से, ऐसा कोई स्पेसिफिकली इसी कारण से ऐसे इफेक्ट होकर के ऐसा नहीं है, बट जो भी किसी भी कारण की वजह से जब भी ये मनी सर्कुलेशन जो होता है इस पे जब इफेक्ट होता है तब जाकर के रिसेशन होता है। बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार चला है तो बहुत सारे जो है ना ऑयल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे सीमित लग गया। जैसे कोविड आया था बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन माल और गुड्स का नहीं हो पा रहा था, तब जो है ना वो मनी फ्लो जो कि नहीं हो रहा था। और जब भी ये सभी चीजें इफेक्ट होता है, जब भी जॉब्स वगैरह जब जाता है तो बेसिकली जो है ना बाइंग पावर जो है ना लोगों के हाथ में कम हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत ही कम परचेजेस करते हैं, जिसका मतलब कि कम मनी फ्लो होता है और उसका रिजल्ट होता है कि भाई रिसेशन, महंगाई। तो सिंपल सा फंडा है, जब जिन चीजों का डिमांड जब इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई जब कम होता है तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ती है। तो इसी कारण से जो है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई सब चीज मिलके चलते हैं। अब देख, जब भी आपको महंगाई या रिसेशन जब दिखता है तो यूजुअली क्या करना होता है कि मनी को फ्लो करना होता है। अब देखो, आपने रिसेंटली न्यूज में सुना है कि गवर्नमेंट जो है ना अपना रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। रेपो रेट अब क्या होता है जिनको पता नहीं है, जब भी आरबीआई बैंक जो है ना जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हो प्राइवेट बैंक्स हो जब भी गवर्न करते हैं तो बेसिकली जो किसी भी बैंक के पास में अपना खुद का पैसा नहीं होता, वो भी जो है ना लोन उठाते हैं आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, वो पैसा वहां से आता है, फिर वो पैसा किसी और के पास जाता है, फिर वो पैसा वैसे सर्कुलेट होता है। अब ज्यादा लोग जो है ना बेमतलब का पैसा लेकर के अनवांटेड चीज में ना डाले और जो है ना ज्यादा से ज्यादा एक लिमिटेशन क्रॉस ना हो, इसकी वजह से जो है ना रेपो रेट जो बेसिकली जो है ना आरबीआई जो फंड्स जो है ना नॉर्मल बैंक्स को देते हैं वो जो है ना कम करने के लिए अपना रेपो रेट इंक्रीज कराते हैं, ताकि रिजर्व का फंड जो है ना बैलेंस रहे। क्योंकि जब रिजर्व वाला फंड बैलेंस रहेगा तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, जहां कहीं भी मनी की रिक्वायरमेंट रहेगा गवर्नमेंट जो है ना उसको फुलफिल कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना जो फाइनेंशियल इंपैक्ट कम से कम पड़े। जैसे कि जब कोविड सिचुएशन आया था, जब अभी देखो जैसे चल रहा है कि बिजनेसमैन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, जॉब्स बहुत जगह जा रहा है, और स्पेशली जो है ना ग्लोबल जो बिजनेस ट्रेड बिजनेसेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है ये सब सारा इम्पैक्ट होता है। बट अगर क्लीन से समझने की बात सोची जाए तो भाई दोस्तों, सिंपल सा, जब भी कोई पैसे का मनी का फ्लो ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसे रिसेशन होता है। अब देखो, इसको रिवाइव करने के लिए एक सबसे बड़ा जो कि रिसर्च के द्वारा जो कि मतलब जो सोल्यूशन निकल के आता है, जिससे कि मतलब जो भी लोग हम बाय और सेल करते हैं उसका नंबर्स कैसे ना कैसे करके इंक्रीज करा जाए। नॉर्मल हाउस होल्ड की चीजें लोग बाय करें, नॉर्मल जो
आम मर्रा की जिंदगी की चीजें जो होते हैं, जो नॉर्मल कॉमोडिटीज जिसको कहते हैं, उसका अगर हम बाय एंड सेल जो ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली जो है ना ये रिसेशन को कई हद से कंट्रोल कर लेता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो है रिसेशन या फिर महंगाई को कम करा जा सकता है। मल्टीपल फैक्टर में मल्टीपल सिचुएशन या मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड ये चीजें क्रिएट होती है और इसका सोल्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखो अगर किसी कंपनी में जब भी रिसेशन ग्लोबली या फिर टोटल कंट्री में आता है तो इसका इंपैक्ट जो कि एक ना एक कंपनी पे पड़ता है, क्योंकि वहां का जो प्रोडक्ट होता है लोग परचेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है वहां पे अब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ना वो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो वो एम्प्लॉयज है उनका बाइंग पावर जो है कम हो जाता है। तो एक जो है चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह है जिसके बारे में हम फ्यूचर में किसी और वीडियोस में बात करेंगे। ये जस्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, रिव्यू था कि मतलब किस तरह से ये चीजें काम करती है। अब देखो इस टॉपिक पे बहुत ही वास्ट नॉलेज है, वास्ट यू नो जो चीजें है बहुत ही माइन्यूट तरीके से बात किया जा सकता है इसके बारे में। बहुत सारे और भी इसके जो है पहलू है जो कि जिसके ऊपर हम डेफिनेटली फ्यूचर में बात करेंगे, बट फिलहाल जो है ना गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि आपके मन में भी कुछ और ही इसके बारे में, जो भी रिसेशन होता है महंगाई होता है इसके बारे में प्रॉबेबली आप कुछ और सोचते होंगे, या फिर गवर्नमेंट रेपो रेट वगैरह क्यों बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्यों बढ़ाते हैं, उसके बारे में आपके कुछ और ही व्यूज होंगे, तो वो सभी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हो कि हम बात करें यहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को और एलैबोरेट करके चीजों के बारे में और एक्सप्लेन करें, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सजेशन या सोल्यूशन है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लिए गाइस जय हिंद जय भारत। फिलहाल कैमरा मुझे ही ऑफ करना पड़ेगा, तो थैंक यू, बाय बाय।